पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना। आज हम बात करते हैं 50 और 60 के दशक के पॉपुलर एक्टर देवानंद के बारे में, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक फिल्मों से नवाजा, जिसमें जॉनी मेरा नाम, अमीर गरीब और टैक्सी ड्राइवर जैसी बेहतरीन फिल्मों का नाम शुमार है। हालांकि आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी इनके गाने लोगों के जुबा पर छाए रहते हैं। दोस्तों, आप दिग्गज अभिनेता देवानंद के बारे में तो सब जानते होंगे, लेकिन क्या आप उनकी बेटी के बारे में जानते हैं कि वह कौन है, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं? नहीं ना, कोई बात नहीं। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए देवानंद की बेटी से रूबरू करवाने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं देवानंद की बेटी के बारे में। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक रहे एक्टर देवानंद। देवानंद का जन्म 26 सितंबर साल 1923 को पंजाब में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सीक्रेट हाई स्कूल डलहौजी में मैट्रिक तक की। इनका पूरा नाम धर्मेंद्र पिशोरी मल आनंद है। दिग्गज अभिनेता देवानंद अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 1946 आई फिल्म हम एक हैं से की, जिसमें देवानंद एक हिंदू मुख्य भूमिका अदा की थी। जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई बड़ी फिल्मों में काम किया, जिनमें लूटमार, वारंट, तमाशा, बारिश, विद्या, देश परदेश और हाउस नंबर 44 जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। इनकी पहली रंगीन फिल्म साल 1965 में आई गाइड फिल्म की थी। इन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन भी किया, जिसमें साल 1971 में आई ड्रामा फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा साथ। उन्होंने द एविल विदिन जैसी अंग्रेजी फिल्मों में भी अभिनय किया। देवानंद ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को इतनी ज्यादा सुपरहिट फिल्में दी, उन फिल्मों की वजह से इन्हें एवरग्रीन हीरो का टैग मिला। इन्होंने लगभग 200 से अधिक फिल्मों में काम किया और काफी सफलता हासिल की। अन्य फिल्मों में इन्हें दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जाता था, यही वजह है कि ये अपने दौर के सबसे हिट एक्टर माने जाते थे। दोस्तों, अगर आप बात करें एवरग्रीन हीरो का टैग हासिल करने वाले अभिनेता देवानंद की बेटी के बारे में, तो आपको बताते हैं कि इनकी बेटी का नाम देवीना आनंद है, जो दिखने में बेहद खूबसूरत हैं और किसी अभिनेत्री से कम नहीं लगती हैं। हालांकि इन्होंने अपने पिता की तरह एक्टिंग की दुनिया में कोई रुचि नहीं दिखाई, बल्कि इन्हें हमेशा से दूर रहना पसंद था। वहीं अगर बात करें इनके पर्सनल लाइफ के बारे में, तो 1985 में हरजिंदर पाल सिंह देओल के साथ शादी कर ली थी, पर इनका यह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिका और इन्होंने कुछ सालों बाद ही तलाक ले लिया। हालांकि अंत में आपको बताते चले कि हिंदी फिल्मों के जाने माने सदाबहार देवानंद लंदन में हार्ट अटैक पड़ने से निधन हो गया था। वे 88 वर्ष के थे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको अभिनेता देवानंद की बेटी के बारे में जानकर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।